एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं, और ये कहानी जो है वो जादुई वृक्ष की है, और आपको रिलेट करना है ये जादुई वृक्ष कौन हो सकता है। एक व्यक्ति था जो जंगल में जा रहा था, जंगल में जाते जाते वो थक गया तो वो एक पेड़ के नीचे सो गया। तो जब वो सो गया और उसकी जब आँख खुली तो अंधेरा काफ़ी हो चुका था, तो उसने सोचा कि मैं यहीं रुक जाता हूँ। लेकिन क्योंकि वो काफ़ी दूर से आ रहा था तो वो काफ़ी थक चुका था, तो थकने के साथ साथ उसको भूख लगने लगी, तो उसने मन में सोचा कि कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। तो जैसे ही उसने कहा कि कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि वो एक जादुई पेड़ था, तो उसके सामने एक पकवान की थाली आ गई, एक खाने की थाली आ गई, उसने उसको खा लिया। खाने के बाद उसको लगा यार अब कुछ पीने को मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। उसके सामने एक पानी का ग्लास आ गया, एक शरबत का ग्लास आ गया, उसने शरबत पी लिया। उसके बाद उसने सोचा यार अब रात यहीं बितानी है तो एक तकिया मिल जाए सोने के लिए तो मज़ा आ जाएगा। एक तकिया उसके सामने आ गई। अब लेटे लेटे वो ये सोच रहा था कि ये सब हो कैसे रहा है, उसके साथ ये हो क्यों रहा है और कैसे हो रहा है। उसने सोचा कहीं यहाँ पे कोई भूत तो नहीं है, तो उसके सामने एक भूत आ गया। अब उसने सोचा कहीं ये भूत मुझे खा ना जाए, वो भूत उसको खा गया। कहानी का सार ये है कि ये जो जादुई पेड़ है, ये जादुई पेड़ कोई और नहीं है, ये जादुई पेड़ आपका ये दिमाग है, आपका ये मन है। जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके साथ होने लगेगा। अगर आप सोचोगे कि आपके साथ बुरा हो तो आपके साथ बुरा होगा, अगर आप सोचोगे आपके साथ अच्छा हो तो आपके साथ अच्छा होगा। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है जो उस जादुई पेड़ की तरह है। आप अपने ड्रीम्स के बारे में सोचोगे तो वो ड्रीम्स आप पूरे करने लगोगे। आप निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव वाइब्स आएंगे, आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव वाइब्स आएंगे। आई होप आपको ये कहानी मेरी बहुत अच्छी लगी होगी।